Assalamualaikum guys, I hope you all are doing well. So जल्दी से देख लें intro. और आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा क्योंकि हाँ आया होगा. एनीवेज इस सब बातों को छोड़ते हैं. सो गाइस, किसी का कमबैक हुआ है. सो इस वीडियो का मुझे मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक डेस्परेट हुई हुई थी मैं इसके लिए कि मैं जो है ना जो है ना क्या बोलते हैं नाउ वी आर बैक. सो हाँ अब बताओ तुम. सो गाइस, सबको इस कमबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था. मतलब हनी सिंह आफ्टर 9 ईयर्स वापस उन्होंने कमबैक किया. मतलब बीच में जो उन्होंने कमबैक किया था वो लाइक कमबैक नहीं माना जा रहा था, क्योंकि वो कमबैक नहीं था. जो वो था क्या था, मेरे नोटी से ही. हाँ, उस मतलब वो लेकिन अब जो हाइप बनी है ना भाई, क्योंकि देसी कलाकार उनकी एल्बम 2014 में रिलीज हुई थी, तो आई थिंक 13 के एंड में रिलीज हुई थी, तो 10 साल हो गए. इट्स बीन 10 इयर्स और उसके बाद इट्स अ होल वाइब. मतलब सो यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, सो किसको नहीं याद ही गाना रटा हुआ है. तू लव कर रटा हुआ है. ठीक है, आज 10 साल गुजर गए बट स्टिल रटा हुआ है. तो ये हम लोगों का जो नहीं होता है कि क्रेजनेस थी अबाउट हनी सिंह, तो वो हम सब जो 2000 के बच्चे हैं जो सब जानते हैं कि जो ब्लूटूथ में सुनते रहे हनी सिंह को, तो वो ही वाइब कर सकते हैं उनके साथ. अदरवाइज अब तो बहुत भी अब बहुत ज़्यादा हिप हॉप में मैं ये नहीं कहती हूँ कि और रैपर्स नहीं है, लेकिन जो हनी सिंह की वाइब थी उस तरह का मतलब नहीं है कोई. एग्जैक्टली सो ही इज वन एंड ओनली एंड जिसके साथ हम सब ने वाइब किया है. भाई बहुत ज़्यादा था वो उस टाइम पे जो ब्लूटूथ का टाइम था. ये सुने जाते थे और एज अ रैपर हम उनको लेते थे. उस टाइम पे जो है हिप हॉप इतना आम नहीं था और जितना भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया. लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ही शी सो क्यूट. सो गाइस हाँ, इसको थोड़ा कट कर देना, मिला जुला के बना देना. सो गाइस, हम लोग आज आ गए हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसकी हमें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी डीएम्स में कि कब आप देसी कलाकार पे जो है रिएक्शन देंगे. सो भाई आ गया है, हैंड फ्री लगा लो, हैंड फ्री लगा लो, सब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है. सो आई कांट के वेट, मुझसे नहीं हो रहा कि लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो गाइस, हम लोग आ गए हैं रिएक्शन की वीडियो के साथ, तो बस चलते हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा बस गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3 स्टार्ट. भाई उधर ब्याह हो गया, इधर आई एम एम्स्टर्डम. साक्षी से आई गेस, लेट्स गो एम्स्टर्डम. दे आर टॉकिंग कलर साक्षी से ना. ओ माय गॉड, आफ्टर सो लॉन्ग. 9 इयर्स, 10 इयर्स, इट्स बीन 10 इयर्स. ले जा तेनु सत समुंदरों पार, तोहफे विच देके हार, तेनु खूब करा मैं प्यार, बिलो बत्तियां बुझा के आया मुड़ तेरा देसी कलाकार, तेनु डीके मेरी कार, तू नजर मेरे ते मार, बिलो अखियां मिला के बिगड़े चट फिर अड़ी उत्ते आया, कूड़े जेल विचों सीधा तेरे घर वल आया, तुरन लगे मैं तेनु कॉल कर के, तू मैनू फिर ना कहीं, मैं तेनु दस के नहीं आया. तारे तोड़ू जुगनू फड़ जू, दिल तेरे विच ऐदा वड़ जू, बड़े दिन तो सांब रखी मैं झांजर तेरे लिए, तबलू का कित मैनू किसे दा प्यो, जट खंगण नहीं दिंदा पैग मार के दो, एनएच चक के फरार मैं हो जू, आउ जिने च पीसीआर बत्ती करके ब्लो, तेरी
Something for you. Okay, do you remember this? No way. So, same where you wanna go? Guys, jo kalakar mein thi, desi kalakar mein, Sonakshi Sinha ne pehni thi. Puerto Rico. Let's go. We're going Puerto Rico. Puerto Rico it is. Okay, so guys, here's the end of this song. Aur jo log वैसे जो है ना, मैंने ये सॉन्ग नहीं सुना था, रिएक्शन के लिए रखा था, लेकिन काफ़ी मीम्स बन रहे थे कि वैसा कमबैक नहीं हुआ, ऐसा कमबैक नहीं हुआ. तो बैठ के बोलना बहुत आसान है. इसमें एक जर्नी है, एक 9 साल का गैप है, और एक बंदा गिर के खड़ा हुआ है. इस सब के लिए मजबूत होना पड़ता है. एक बंदा बिल्कुल डाउन हो गया है, और उसके बाद कमबैक करना, वो स्प्रिट लाना, वो वॉज नॉट ईजी. या इट इज़ नॉट ईजी. और वो उनके अंदर जो पोटेंशियल है, मतलब इस टाइम पे भी, कि 9 साल बाद वो आए हैं, इतनी एफर्ट डाली है यार, मतलब तारीफ तो बनती है बंदे के लिए. ही इज़ अ सच अ लेजेंड, और हमारे लिए हमेशा रहेंगे. हम तो हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं इनको. तो जो लोग भी कह रहे हैं मीम्स बना रहे हैं कि यार ये क्या है, दिस वाज नॉट अ कमबैक, कमबैक हो नहीं रहा है, ये कमबैक है, क्योंकि ये पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है. और ये फुल वर्जन पंजाबी है. इसमें ये है कि हिंदी का वर्ड से दो तीन बार सुनोगे ना तो वाइब आएगी, वाइब आएगी. अगर आप हनी सिंह के फैन हैं बचपन से, देन वाइब आप सुन करेंगे. देखें यार, अब ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट उठा के बना देते देसी कलाकार की तरह. हमने किया है ना, समथिंग न्यू यार होता है ना, न्यू ट्राई करना पड़ता है इंसान को. और अब जिस तरह के कैची सॉन्ग पंजाबी आ रहे हैं, अब टाइम कुछ और चल रहा है, उस हिसाब से उन्होंने ये स्मूथ ट्रैक बनाया है. तो टू गुड. हनी के जो हेटर हैं वो चिढ़ते रहे भाई, हम तो सपोर्टर हैं, हम सपोर्ट करते रहेंगे. और हम लोग आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि इट वॉज नॉट ईजी. गाइज़ हमारे इंस्टाग्राम्स आ रहे होंगे, जाके हमें कर लें फॉलो. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को भी क्लिक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.